हेलो डी स्टूडेंट्स, अगेन विनय इज हियर टू वेलकम यू इन द क्लास ऑफ फिजिकल एडुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि हम लोग ये पूरी एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम 11th क्लास की सारी क्लासेस करेंगे, सारी यूनिट्स की क्लासेस करेंगे। और फर्स्ट यूनिट में अब तक हमने 3 क्लासेस करी हैं, ठीक है। थीके? और पिछली क्लासेस में हमने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फिजिकल एजुकेशन के, उनके बारे में बात करी थी। आई होप दैट कि आपने उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब एक और छोटा सा सब टॉपिक है, करियर ऑप्शन एंड एकेडमिक कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन। एक्चुअली फॉर जो फिजिकल एजुकेशन आपका एक एक एकेडमिक सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक अप्लाइड सब्जेक्ट है, ठीक है। और इस अप्लाइड सब्जेक्ट में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं और इफ यू वॉन्ट टू परस्यू अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर योर बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज, यू कैन चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, राइट। उसमें कई सारे कोर्सेस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से कोर्सेस के जरिए हम क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हो सकती हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। अक्सर क्वेश्चन इससे सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज और कोर्सेज जो हैं वो आपको फिजिकल एजुकेशन में एक सक्सेसफुल फिजिकल एजुकेशनिस्ट बनने के लिए सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक करियर की बात करी जाएगी, हम लोग एक पैरेलल उसमें पढ़ते चलेंगे इन सारी चीज़ों को। तो आप क्या है कि फिजिकल एजुकेशन में कोर्सेस हैं, ठीक है, उन कोर्सेज के जरिए आप लोग क्या हो सकते हैं, आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, जिसमें आप फिजिकल एजुकेशन टीचर चाहे तो प्राइमरी में हो सकते हैं, आप सेकेंडरी लेवल पे हो सकते हैं या फिर टर्सरी लेवल पे, राइट। उसमें आप अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आप प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। देन यू गो फॉर द कोच, आप पर्सनल कोचिंग और स्पोर्ट कोचिंग स्किल्स के लिए भी जा सकते हैं, जिसमें आपके लिए जो कोर्सेस हैं उनके बारे में हम अभी थोड़ी ही देर में बात करेंगे, राइट। देन अनदर ऑप्शन इज आप ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, आप फिटनेस ट्रेनर, जो जिम आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। यू कैन बी अ गुड फिटनेस कोच, राइट। ऑफिशियल्स ऑफ द स्पोर्ट्स, देयर आर सम कोर्सेस, इफ यू विल क्वालिफाई द पेपर ऑफ दोज कोर्सेस यू विल बी डिग्निफाइड फॉर अ पर्टिकुलर ऑफिशियल्स फॉर द पर्टिकुलर स्पोर्ट, राइट। देन अनदर अनदर कैरियर ऑप्शन इज योगा इंस्ट्रक्टर। योगा इज वाइडली स्प्रेडिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी, जिसमें क्या है आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। योगा के साथ एक सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि आपको बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। कुछ आप लूज टाइप के कुछ कपड़े हुआ करते हैं, ठीक है, या योगा किट बोल सकते हैं आप वो। दूसरा आपके पास मैट हो, बस इतना ही काफी है। तीसरा जो है वो आपके पास योगा इंस्ट्रक्टर हो जो आपको अच्छी तरह से थ्रू कोर्स जो है गाइड कर सके कि किस तरह से आपको योगासन है परफॉर्म करना है, राइट। और इनके इफेक्ट काफी अच्छे होते हैं, जिनके बारे में भी हम लोग जब योगा वाला चैप्टर पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस ऑन दैट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चूज द स्पोर्ट जर्नलिस्ट और कमेंटेटर। अभी आप देखते हैं कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती है, एक स्पेशल जर्नलिस्ट होते हैं जो या तो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं बेसिकली, क्योंकि उनको जानकारी होती है स्पोर्ट्स की। दूसरे या फिर इफ अगर आप स्पोर्ट जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप स्पोर्ट जर्नलिस्ट बन सकते हैं या फिर स्पोर्ट कमेंटेटर बन सकते हैं, राइट। डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, राइट। इसमें किस पर्टिकुलर स्पोर्ट में किस तरह की डाइट एक पर्टिकुलर प्लेयर को देनी है, कितनी डाइट देनी है, कितना कैलोरी इनटेक है, कितना कैलोरी का एक्सपेंडिचर है, इन सारी चीज़ों की जो मैनेजमेंट है वो एक डाइटिशियन रखता है। दूसरी बात यह है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस के इम्बेलेंस के साथ डील करता है, राइट। जब बहुत सारे प्लेयर्स हैं खेलते हुए, कभी उनको मसल पेन, स्ट्रेन, इसी टाइप की कोई भी दिक्कत होती है या फिर इंजरी की वजह से कोई भी मसल मूवमेंट का लॉस होता है, राइट, तो उन सारी चीज़ों के साथ कौन डील करता है, फिजियोथेरेपिस्ट।
अक्सर अगर आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि जो थाई का खिंचना, ठीक है, थाई में स्ट्रेस या स्ट्रेन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती रहती है या मसल पुल की प्रॉब्लम आती रहती है, तो जनरली मतलब जो एक डॉक्टर है वो अपना बैग लेके आता है एंड ही फिक्स दैट वन, राइट। तो वो क्या होता है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, राइट। देन वी विल टॉक अबाउट द बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स जो है आज के टाइम की जो स्पोर्ट्स की दुनिया में फिजिकल एडुकेशन की एक ब्रांच है जो बहुत ज़्यादा काम करती है। बायोमैकेनिक्स में क्या है, आप इसमें बायोमैकेनिक्स में स्पोर्ट इंजीनियरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसमें क्या है, आप स्पोर्ट के इक्विपमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने पैरालंपिक वगैरह को देखा है कि किसी एक पर्टिकुलर जो प्लेयर है उसका पैर नहीं है, राइट, एंड वी आर प्रोवाइडिंग देम अ आर्टिफिशियल लेग, राइट, एंड सम ऑफ देम दे डोंट हैव द नेचुरल हैंड एंड वी आर प्रोवाइडिंग देम द आर्टिफिशियल हैंड्स, राइट। तो वो सारी चीज़ें इनकी डिज़ाइनिंग कौन करते हैं, जो स्पोर्ट इंजीनियर होते हैं बायोमैकेनिक्स के थ्रू, वो लोग पढ़ाई करते हैं और दे नो दैट वो काइंड ऑफ द सपोर्ट इज नेसेसरी और द बेस्ट टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर मैन हु इज नॉट फिजिकली एफिशिएंट एज द जनरल पीपल, राइट। तो और इसके अलावा क्या है, जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हैं, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट आपने देखा है कि मॉडर्न सिनेरियो में वो वैसे ही नहीं है जो कि कभी हुआ करते थे। पहले के टाइम में स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट को आप देखेंगे और आज के टाइम में स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट देखेंगे तो आपको काफ़ी फर्क नज़र आ जाएगा कि उनमें कितनी ज़्यादा तब्दीली की गई है, राइट। और उसके अलावा जैसे जो स्पोर्ट की परफॉर्मेंस है उनमें काफ़ी इन्हेंसमेंट हुआ है। जैसे हमने ये जाना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका यूज़ करते हुए कितने पर्टिकुलर एंगल पे इफ वी विल थ्रो अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल गेट द मैक्सिमम रेंज, राइट। कि अगर हम जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, डिस्कस थ्रो कर रहे हैं, तो हम कितने एंगल पे थ्रो करें जिससे क्या है हमें मैक्सिमम परास मिले, मैक्सिमम रेंज हमें मिल जाए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिसर, एम्प्लॉय और एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब जब स्पोर्ट्स की दुनिया के साथ आप डील कर रहे हैं फिजिकल एडुकेशन में तो क्या होगा, फिर आप में स्पोर्ट्स ऑफिसर भी होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हो, DSO जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिलेंगे, राइट, वो RSO भी हो सकते हैं, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, राइट, और किसी भी पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी के हेड भी हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, जो इंडिया की मोस्ट जो कोचिंग बॉडी है और कोचेस को प्रिपेयर करने की एक संस्था है, ठीक है। उसके अलावा खेलो इंडिया प्रोग्राम है, तो इन सबको रन करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स भी चाहिए होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, थ्रू अ पर्टिकुलर कोर्स सपोर्टेड बाय, राइट। कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें जो वेरियस कोर्सेस हैं हम लोग उनकी बात करेंगे, और उनमें क्या हो सकते हैं, अगर आप शुरुआत से जाएंगे तो 12th में या तो आप BPE कर सकते हैं या फिर आप बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज फिर आप उसके बाद MPE के लिए जा सकते हैं और मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। BPE और BPED में इतना रहता है कि BPE आप क्या कर सकते हैं, 12th के बाद सीधा आप BPE कर सकते हैं, लेकिन BPED के लिए आपको क्या है, ग्रेजुएट होना जरूरी है, राइट। ये पहले 1 ईयर कोर्स था, अब ये 2 ईयर्स कोर्स हुआ करता है, ठीक है, MPED की बात हो रही है, राइट। देन आप क्या कर सकते हैं, PGDFM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, ठीक है। जब हमने ट्रेनिंग की बात करी थी तो पर्टिकुलर कोचेस, अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस बड़े बड़े प्लेयर्स के बाद क्या होते हैं, एक फिटनेस कोच होते हैं, राइट। तो आप फिटनेस मैनेजमेंट की सारी चीजें PGDFM में सीख सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज PGDSM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है। अभी आप देखेंगे जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, इवन दैट ये कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री अभी के टाइम में दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्रियों में से ही एक है, राइट। हमने नए तरह के ग्राउंड्स बनाए हैं। अभी देखिए पहले क्या होता था, पहले
हमारे पास ग्रास वाले कोर्ट हुआ करते थे जिनमें कभी पानी भर गया तो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी के टाइम में हमारे पास सिंथेटिक ट्रैक्स हैं, तो अगर बारिश भी हो जाए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अभी आप एथलेटिक्स के ट्रैक देखिए, वो पहले की तरह ग्रास वाले इतने नहीं रह गए इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारे के सारे सिंथेटिक ट्रैक्स में तब्दील कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक जो डायनामिक्स है या फिर जो पेस है वो कहीं ना कहीं चेंज हुई है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। राइट, देन वी मूव टू पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट जर्नलिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्पोर्ट जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं। देन मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट कोचिंग। अभी आप NSNIS पटियाला की बात करेंगे तो उसमें आपकी MPED नहीं होती है। इंस्टीड ऑफ दैट वहाँ क्या होता है कि वहाँ आप कोचिंग का कोर्स कीजिए, जिसको क्या करते हैं NIS करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से। ठीक है, NIS पर्टिकुलर उसमें एक स्ट्रीम में करिए आप, और फिर उसके बाद आप मास्टर डिग्री वहाँ से स्पोर्ट कोचिंग में कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है NIS डिप्लोमा रेफरी सर्टिफिकेशन। ठीक है, राइट, NIS डिप्लोमा एक तो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं जो 1 साल का कोर्स है, उसके बाद क्या है आप इंडिया के एंटायर इंडिया में किसी भी रीजन में एक स्पोर्ट कोच बतौर जो स्किल्ड स्पोर्ट कोच होता है वो अपॉइंट किए जाएंगे, या फिर आप एक और सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जिसके थ्रू आप देखते हैं कि जो क्रिकेट के अंपायर्स होते हैं, फुटबॉल के रेफरी होते हैं, राइट, और या फिर बॉक्सिंग के रेफरी होते हैं, तो इस टाइप के रेफरी का एक सर्टिफिकेशन कोर्स आपको मिल जाता है जो अलग अलग लेवल पर होते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो सकता है, सॉरी स्टेट लेवल का हो सकता है, राइट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का हो सकता है। ठीक है, देन वी मूव टू द सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट कोचिंग। अभी क्या होता है, एक 6 वीक का सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता है जिसको NSNIS पटियाला कराती है, राइट। तो 6 वीक के कोर्स के बाद भी आपको जो एक जनरल आइडिया है वो कोचिंग के बारे में मिल जाता है, राइट। देन वी मूव टू पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। अभी क्या है, जब स्पोर्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से ग्रो कर रही है तो एक स्पोर्ट्स के पर्टिकुलर डॉक्टर्स नहीं होते, राइट, तो फिर एक और ब्रांच को जन्म दिया गया, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो किस स्पोर्ट्स में किस पर्टिकुलर इंजरी के लिए कौन सी दवा देनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी हो और स्पोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको बिना किसी बैंड ड्रग के हम लोग टैकल कर पाए। ठीक है, देन वी गो फॉर BPT और MPT, बैचलर इन फिजियोथेरेपी एंड मास्टर इन फिजियोथेरेपी। अब क्या होता है, अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे जो स्पोर्ट की पेस है और इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो उसको टैकल आउट करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी खतरे में आती है, राइट। हमारे ढेर सारे टूर्नामेंट्स हैं, बिना किसी ब्रेक्स के हम लोग टूर्नामेंट वगैरह खेल रहे हैं, तो अगर कहीं से भी मसल पोल या मसल की कोई भी इंजरी छोटी मोटी होती है तो फिर हम जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के बैकग्राउंड से लोग आते हैं वो क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी के थ्रू उस मसल के इन होम्योस्टेसिस को, ठीक है, क्या करते हैं, टैकल आउट करते हैं, जिससे कि जो उनकी पेस है खेलने की वो आराम से बनी रहे, वो मसल पुल की वजह से बाहर नहीं हो, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज मास्टर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा जगह से नहीं होता है, कुछ चुनिंदा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स हैं वही मास्टर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कराते हैं, और ये काफ़ी रेयर काइंड ऑफ जो कोर्स है, राइट। फिर उसके बाद क्या है, आप स्पोर्ट मर्चेंडाइज में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज मतलब व्यापार स्पोर्ट्स का। जैसे आप, इफ आई टॉक अबाउट द मेरठ, मेरठ में क्या है, बहुत सारी हब हैं हर चीज बनाने के। जैसे इस टैग की जो टेनिस की टेबल है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ से जाती है, वो काफी फेमस है। आपने देखा भी होगा जब आप टेनिस के मैचेस देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको इस टैग की टेबल जो है वो मिल जाएगी, राइट। उसके अलावा बहुत सारे जितने भी स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हैं, या तो उन्हें बनाने का हब आप कर सकते हैं, उसके साथ डील कर सकते हैं, या फिर आप जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हैं उनको क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी आज की जो कुछ छोटा सा लेक्चर था, ये सब स्पोर्ट्स में करियर किस किस क्षेत्र में बना सकते हैं आप, एंड वॉट आर द सपोर्टिंग कोर्सेस यू नीड टू मेक
क्वालिफाई टू स्टेब्लिश अ पर्टिकुलर करियर, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।